कहां से कंची गैंग लेके आया यार, क्यों मार रहा है? इस बाबा के पास बहुत पावर है। देख मैं सबका सेटिंग करता है, सबका। हाँ कमिश्नर बोल दे, सेटिंग कर देता। हाँ गो बैक कमिश्नर, बैक सिंगर, बैक दया, यू आर बैक। ए तुम लोग गंजी वाले, सब लोग बैक, सब बैक। आज कैसा लगा? जानता नहीं मैं कौन हूं तो। सिंघम तूने एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन के सामने कानून अपने हाथ में लिया है, लॉ तोड़ा है, लॉ। जेल में जाएंगे सबके सब, सब फंसेंगे सबके सब। राव तू अभी भी नहीं समझा, हम तुम दोनों को ठोकने आए हैं। अरे ठोकने की क्या जरूरत है सिंघम भाऊ, जब मैं सरकारी गवाह बन के बाबा के खिलाफ सब कुछ बोलने को तैयार हूँ। भाई लोग इस बाबा के पास करोड़ों का काला धन है। भक्त कन्याओं का बलात्कार किया है इसने, अपने प्रयोजन मंच के नीचे लाशें गाड़ी है। और भाई लोग तुम्हारे महेश को भी इसी ने मारा है। अच्छा तो ये भी बताना, मेरे हर काम में मेरा साथ कौन देता है? इलेक्शन हो या गैर कानूनी व्यापार हो, पैसे किसने लगाए? तूने। हाँ तो आपको कोमा से फुल स्टॉप लगाने वाला कौन? और गुरुजी के चार उम्मीदवारों पे हमला करवाने वाला कौन? तू। दंगे किसने करवाए, कौन है? अच्छा तो गुरुजी जैसी महान आत्मा को इसने मरवाया, सिंघम भाव इसने मरवाया। नहीं सिंघम मत करो ऐसा, तुम्हारे जैसे ऑफिसर की जरूरत है इस देश को। तो क्या करें, अरेस्ट करके ले जाए ताकि फिर से ये अदालत से छूट जाए? अरेस्ट किया था ना इनको, क्या हुआ? दंगे फसाद? हमारे यहां जुर्म रोकने के लिए एक कानून बनता नहीं, जैसे लोग 10 रास्ते निकाल लेते उसमें से निकलने के। हमारी अंधविश्वासी जनता ही ऐसे 2 कौड़ी के गुंडे को बाबा बनाती है, और सोई हुई जनता ऐसे चोर को नेता। इनका तो मरना ही नहीं, नहीं। इनको मारने से क्या होगा? अरे इसको मारोगे तो 5 साल के बाद इसका पुतला बनाकर लोग इसी को पूजेंगे, और ये इसको मारोगे तो ये शहीद कहलाएगा और इसकी पार्टी पावर में आएगी। सिंघम बदलाव आएगा, हम शुरुआत करेंगे, सबूत है हमारे पास, इनका असली रूप जनता के सामने आया है, अब इन्हें सजा मिलेगी। दे डोंट नो द पावर ऑफ मीडिया। दया लेके जा सालों को, चल।